अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, दो तीन दिन से कुछ शादी में मसरूफ था, वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, उसके लिए सॉरी। आज मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बच्चे निकालते हैं अपने बाहर, बेबी पिजन को देखते हैं उनकी अब तबीयत कैसी है, और अंडों की अपडेट देता हूँ किस कितने अंडे दिए हुए हैं, देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, ये मैंने पानी बाहर निकाल लिया, अब ये देखें, इनको पता चल गया बाहर आने का, ये सारे बाहर आ जाएंगे अब खुद ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको बड़ा पता चल गया। ये देखें, ये हमारा जो पिजन बीमार हुआ था बेबी, ये देखें कैसे माशाल्लाह उड़ता हुआ बाहर आया। ये देखें कितनी खुशी से सारे बाहर आए हैं माशाल्लाह। ये हमारी एक अंडों पर बैठी हुई थी फीमेल, ये भी बाहर आ गई है। इसके माशाल्लाह दोनों अंडे फर्टाइल हैं, ये इसके अंडे बड़े हुए हैं माशाल्लाह, दोनों अंडे फर्टाइल हैं। इनमें से इंशाल्लाह जल्दी बेबी निकल आएंगे। मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, इन्होंने नेस्टिंग की हुई है, इधर भी नेस्टिंग हुई थी माशाल्लाह। ये दो अंडे हो चुके हैं जी हमारे एक और पेयर के, ये भी इंशाल्लाह बच्चे निकलते हैं। दोस्तों, ये मैंने अंडे ज़ाया कर देने हैं, क्योंकि मैंने इनके नीचे ना, मेरे एक दोस्त के पास बड़े नायाब कबूतर हैं, वो जो कासत होते हैं ना, जिसको हम रेसर बोलते हैं, वो रेसर कबूतर हैं उसके पास, उससे मैंने अंडे बोला हुआ था देना, तो मैं वो अंडे इसके नीचे रखूँगा, ये मैं अंडे इसके ज़ाया कर दूंगा। ये देखें जी माशाल्लाह, हमारे बेबी पिजन ये दोनों बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह इनको छत का पता चल गया। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये दूसरे वाला भी ये है, ये देखें माशाल्लाह। दोस्तों शौक करें, ये दोनों बैठते हैं माशाल्लाह, ऊपर बैठते हैं नीचे आते हैं। ये बच्चे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, अल्लाह करे ये ज़ाया ना हो बस, तो ये इंशाल्लाह हमें पूरा मज़ा देंगे छत पे। ये देखें जी, वो नीचे आ गया एक एक, ये बैठ गया भाई, यहाँ पे नहीं बैठना। ये देखें दोस्तों, हमारे ये पेयर ने नेस्टिंग की हुई है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी अंडे देगा, और जिसने अंडे दिए हुए हैं ना, ये फीमेल है वो जिसके अंडे हैं, और इसका यहाँ पर ये रामपुरी मेल है, लेकिन इसके अभी नहीं मैंने बच्चे निकलवाने, मैंने वो दोस्त को अंडों का बोला हुआ है, वो मैं इसके नीचे रखूँगा। इनको खाना डालते हैं, भूख लगी होगी। दोस्तों हमारा दाना भी ख़त्म होने वाला है, ये देखें दाना भी ख़त्म होने वाला है, लेके आऊँगा, पहले मैं स्टैंड पे लगा दूँ मोबाइल, फिर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ शौक। ये देखें दोस्तों चौक करें, पानी डाल दूं मैं इनको एक मिनट। दोस्तों जब तक ये दाना खा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आप दोस्तों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। ये इंशाल्लाह हमारे बच्चे उड़ना शुरू हो गए हैं, अंडे भी आने लग गए हैं, इंशाल्लाह हम ज़बरदस्त किस्म का शौक करेंगे। नए परिंदे अभी मैं और नहीं लाऊँगा, इंशाल्लाह इनमें से निकालेंगे। अगर मुझे मार्केट से कोई अच्छा परिंदा मिलेगा तो मैं सिर्फ वो ले कर आऊँगा, क्योंकि अभी हमने माशाल्लाह और भी बर्ड्स लाने हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को वो भी शौक करवाया करूँगा। दाना हमारा दोस्तों बहुत कम रह गया, कल मैं इनके लिए दाना लेके आऊंगा। आप दोस्तों ने दुआ करनी है हमारे पिजन्स बिल्कुल रिकवर हो जाएं। दो पिजन्स हमारे जो बेबी पिजन्स माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गए हैं, लेकिन ये आप देखें ना, ये सबल बीठें कर रहे हैं, ये उसी बच्चे की हैं, तो इसको मैंने मेडिसिन दी है, अभी दाना खा लें, मैं इसको फिर मेडिसिन दूँगा ताकि ये मुकम्मल रिकवर कर जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और फैमिली का हिस्सा बन जाए हमारी, ताकि आप दोस्तों के लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। आप दोस्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन हम बहुत अच्छी छत बनाएंगे और आप दोस्तों को शौक दिखाएंगे। तो दोस्तों मुझे अब इजाज़त दीजिए, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।